नमस्कार, मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने कुकिंग चैनल कुक विद पूनम में। दोस्तों, आज हम अरवी की सब्जी बनाएंगे एकदम ही अलग तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, शायद ही आपने कभी ऐसा बनाया हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी सामग्री लगेगी और कैसे बनेगा। मगर उससे पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और जो बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हमने सभी सामग्री बना इकट्ठा करके रख ली है और हम आपको बताएंगे कि हमने इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया और कैसे बनाया है। तो हमने आधा किलो अरवी ले लिया जिसको हमने बॉयल करके अच्छे से छील के रख लिया है। अब हम उसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें हम मसाले इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि सारे मसाले अरवी में फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे और सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी अरवी पूरी एकदम फ्लेवरफुल रहेगी। और अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी अरवी में कोट हो जाए और अच्छा सा क्रिस्पी फ्राई हो। तो देखिए, सब कट हो गया है। अब हमने तेल गरम कर लिया है और उसको एक एक करके हम डाल देंगे और सारी अरवी को हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। यकीन मानिए, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये सब्जी बनेगी अरवी की, एकदम आलू दम स्टाइल में। और सारे हम इसी तरह से डाल देंगे और अच्छे से हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे एकदम क्रिस्पी। तो देखिए, सारे हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम मसाला बनाना चालू करेंगे। तो सारे हम इसमें निकाल लेंगे। देखिए, सारे हमारे एकदम क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। इसको अगर आप ऐसे भी खाएं तो भी अच्छा लगेगा। तो अब हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल, और हमने 2 लौंग ले ली है और 2 इलायची ले ली है, इससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। अब हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे और उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसका कच्चापन निकलने तक हम इसको भून लेंगे। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और उसको भी हम ब्राउन होने तक भूनेंगे ताकि वो मसाले में एकदम से मिल जाए। तो इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे ताकि प्याज जल्दी से हमारा भून जाए और थोड़ा सा गल भी जाएगा, और इसको हम भून लेंगे थोड़ी देर। अब हम इसको थोड़ा सा ढक देंगे। तो देखिए, प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कश्मीरी मिर्च डालेंगे, उसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, अब धनिया पाउडर, उसके बाद गरम मसाला, और फिर हम लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें, कितना तीखा आपको चाहिए, और इसको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो हमने 3 टमाटर ले लिया था जिसका हमने मिक्सी में पेस्ट बना लिया था, उसको हम डाल देंगे और अच्छी तरह हम इसको भून लेंगे। देखिए, कितना बढ़िया हमारा मसाला तैयार हो रहा है, कलर भी कितना अच्छा है। तो अभी भून गया तो हम इसमें अब पानी ऐड कर देंगे। आपको ग्रेवी जितना चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करें। तो ग्रेवी हमारी अब देखिए पक गई है। अब हम इसमें अरवी ऐड कर देंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से।
और थोड़ी देर हम इसको ढक के पकाएंगे। हमने इसको सूखी बनाया है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें। अब इसको ढक के हम थोड़ा सा पका लेंगे और सब्जी हमारी अब एकदम रेडी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में, लेकिन शायद ही आपको रेस्टोरेंट में अरवी की सब्जी मिलती हो। तो सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको गैस से उतार लेंगे और सर्विंग बाउल में हम इसको सर्व करेंगे। देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनेगी ये, यकीन मानिए। एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।